जय हिंद एवरीवन। दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि अग्निवीर जो इंडियन आर्मी है उसका रिटर्न एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आउट हो गया है। ठीक है, काफ़ी टाइम पहले हुआ है, अभी उसका फिजिकल की बारी है। सभी को पता है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं। कुछ कुछ जगह में उसका फिजिकल स्टार्ट भी हो चुका है। ठीक है, अलग अलग ईयरों का अलग अलग डेट के हिसाब से मतलब फिजिकल शुरू हो गया है। एक भाई है, मैंने एक वीडियो देखा था, काफ़ी दुख लगा इस वीडियो को देखने के बाद, काफ़ी ज़्यादा दुख लगा है, बहुत अफसोस भी लग रहा है। भाई ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है, रनिंग में एक्सीलेंट भी किया है, लेकिन एक डॉक्यूमेंट में इस भाई को निकाल दिया गया है। बहुत दुख की बात है यार, बहुत दुख लगा इस भाई की सुनने का, भाई की बात को सुनने का बहुत ज़्यादा दुख लगा है। डॉक्यूमेंट में निकाला है मतलब भाई ने जब अग्निवीर का फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम उसने एनसीसी बी मतलब उसके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट था, लेकिन उसने फिलअप के टाइम एनसीसी सी ऐड कर दिया था। मतलब एनसीसी सी है उसके पास, ऐसा मतलब फिलअप किया था ऑप्शन में, लेकिन भाई के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट नहीं है, भाई के पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है। अब भर्ती तो दे दिया, उसने एक्सीलेंट भी कर लिया, लेकिन डॉक्यूमेंट में उसको निकाल दिया गया है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट तो वेरिफिकेशन होता है मेरे भाई, ठीक है, रनिंग वनिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, लेकिन उस टाइम इस बाइक को बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि बाइक के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट नहीं है, बाइक के पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है, जिसके कारण बाइक को निकाल दिया गया है। इतना मेहनत किया, रिटर्न भी क्वालिफाई किया है, फिजिकल में रनिंग में एक्सीलेंट किया है, अब क्या है कि डॉक्यूमेंट में निकाल दिया गया, तो बहुत ज़्यादा दुख लगा है। हम लोग जब अप्लाई आता है किसी भी चीज़ में, चाहे एसएससी जीडी हो, आर्मी हो, किसी भी चीज़ का जब अप्लाई होता है, तो हम वीडियो में बताते हैं कि आप जब भी अप्लाई करो शांति से करो, शांति दिमाग से करो, कोई भी मतलब मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि एक मिस्टेक के कारण आपका पूरे साल का मेहनत बेकार हो सकता है। हम बार बार बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग ज़्यादा ज्ञान बांट रहे, ज़्यादा वो बोल रहे, ऐसा नहीं है मेरे भाई। देखा आप लोगों ने, भाई ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है, लेकिन एक गलती के कारण पूरे साल का मेहनत बेकार हो गया है। तो हम ऐसे नहीं बोलते मेरे भाई, हमको पता है कि ऐसा गलती होता है, तो इसीलिए अप्लाई के टाइम थोड़ा सोच समझ के आराम से अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, गलती हो जाता है, मेरा भी गलती होगा, आपका भी गलती होगा, लेकिन फिर भी सोच सोच कर करना चाहिए अप्लाई। जब भी अप्लाई करो ना, बार बार उसको रिपीट करो, देखो यार कोई कोई तो मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना, एक छोटी सी मिस्टेक के कारण पूरे साल का मेहनत बेकार हो गया है। तो बहुत अफसोस लगा भाई की बात को सुन के। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपना परिवार का भी ध्यान रखिए, और मैं नहीं चाहता दोबारा ऐसा कुछ गलती हो आप लोगों के साथ, इसीलिए अलर्ट कर रहा हूँ। ये तो गलती हो गया, तो ये तो गलती सुधारने का मौका भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग अप्लाई करो तो ज़रा संभाल के, ठीक है, नहीं तो आपका साल का मेहनत बेकार हो जाएगा।